आज हम बनाएंगे आलू के कतले। ना सिर्फ ये आसान है बल्कि बहुत मज़े के होते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इन कतलों को आप क्रश करके आलू के पराठे भी बना सकते हैं। तो चीज़ें जो इस्तेमाल होंगी उसमें बेसिक मसाले हैं, आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसकी मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा होगा इस्तेमाल इसमें क्रश पेपर का 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि ज़ीरे का फ्लेवर जो है इसमें अच्छा लगता है, तो ज़ीरा हम 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे साबुत सूखा धनिया। इसको हल्का सा आपने क्रश कर लेना है, या ब्लेंडर में चॉपर में कर लें आप, या तो आप इसको जिपलॉक बैग में डाल के तो हल्का सा इसको क्रश कर लें, तो इससे ये है कि खुशबू जो है भुजिया की बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा हम पिंच ऑफ अजवाइन यूज़ करेंगे और करी पत्ता, और इसके अलावा इस्तेमाल होगी इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल और बारीक कटी हुई जिंजर गार्लिक, और गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें और धनिया। और मैं इस्तेमाल करूंगी तकरीबन 5 से 6 पोटैटोज मीडियम साइज़ के। इनको हमने स्लाइसेस में काट लेना है। तो ये देखिए, पोटैटोज को इस तरह से हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, इनको वॉश करके। तो अब बाकी जो काम है बहुत आसान है। हमने खुले मुँह की देगची में इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा डाल के, पोटैटोज, ऑयल, जिंजर गार्लिक और तमाम मसाले इसमें डाल के, तो इसको फ्यू सेकंड के लिए हमने पकाना है। इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, अजवाइन और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे इसको हम भून रहे हैं। आप इसमें चमचा हिलाते रहें ताकि इस तरह से, ये देखें, नीचे ना लग जाए। तो अब जो है ये अच्छे तरीके से भुने गए हैं, अब हमने इनको गलने के लिए रख देना है। तो ये तकरीबन आधा कप पानी इसमें डाल के और इसको मिक्स करके, तो स्लो आंच पे इसको हमने ढक्कन रख के तो पकने के लिए रख देना है। साथ साथ आप इसे चेक करते रहें, आलू गल जाएं तो इसका मतलब है आपकी भुजिया तैयार है। तो ये देखें, तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं इनको आलू के कतलों को पकते हुए, और हम साथ साथ इसको चेक करते रहे हैं। पानी इसका ड्राई हो गया है, और ये देखें ऑयल जब इस स्टेज पे देखें अलग नज़र आने लगे, और ये देखें इस तरह से एक आप चेक कर लें चम्मच से, ये गल गए हैं, तो इसका मतलब है हमारी भुजिया तैयार है। हम इसको जो है गार्निश कर लेंगे सब्ज़ मिर्चों से और धनिए से, और ये देखें कितनी आसान है, बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती है,